कहीं ना कहीं यहाँ पर जब आप लोग को हम लोग देख रहे हैं तो एक ही चीज समझ में आई कि स्मार्ट वैल्यू के आने वाले लीडर आज यहाँ पर नहीं नीचे बैठे हैं और आप लोग के लिए एक बार जोरदार ताली हो। और दूर कई हमारे भाई और बहन लोग दूर स्टेडियम में बैठे हैं तो उन लोग के लिए भी जोरदार ताली होनी चाहिए। दोस्तों इतना ही कहेंगे कि जब जब बात होती है स्मार्ट वैल्यू की तो लोग बोलते हैं कि ये क्या करता है लोगों की लाइफ में, तो कई लोग ये सोचता है कि सर ये लोगों को इनकम करने में मदद करता है, ये प्लेटफॉर्म लोगों को आगे बढ़ने में मदद करता है। लेकिन मैं एक चीज अपने लाइफ में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ कि आदमी अपने जीवन में तभी आगे बढ़ सकता है जब उसके पास काबिलियत हो, और आज स्मार्ट वैल्यू के सिस्टम ने, ट्रेनिंग सिस्टम ने एक चीज दिखा दी कि बड़े बड़े नेता या जब अभिनेता आते हैं तब इतने लोगों की भीड़ जुटती होती है, और आज हमारे वर्क यानी कि अमित रंजन और एंटायर टीम के एफर्ट की वजह से आज 3,000 से 4,000 व्यक्ति यहां पर बैठा है। दैट इज द पावर ऑफ अ स्मार्ट वैल्यू। एक बार एफर्ट की कॉप क्या होगा, इसके बाद किसको रिवॉर्ड मिलेगा, जिसको हम लोग अपने इंग्लिश में बोलते हैं इवेंट मैनेजमेंट। जब कहीं पर शादी ब्याह या कोई समारोह होता है तो आप लोग देखते होंगे घर का पूरा परिवार एक साथ मिलकर उस प्रोग्राम को करने की कोशिश करता है। लेकिन आज हमारे 18 साल 20 साल 22 साल 25 साल के युवा लड़के और लड़कियां मिलकर इतना आलीशान प्रोग्राम कर रहे हैं, यही स्मार्ट वैल्यू करता है और यही स्मार्ट वैल्यू की ताकत है। दिशा होती है, उस दिशा को देने का जो काम कर रहा है वो स्मार्ट वैल्यू कर रहा है। क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर पैसा कमाना नहीं सिखा रहे, हम लोगों को ये बता रहे हैं कि पैसा कमाने के लिए अपने अंदर, अपनी सोच के अंदर, अपने परिवार के अंदर आपको क्या परिवर्तन करने होंगे। अगर आप ये परिवर्तन कर लेते हैं तो ये स्टेज छोटा पड़ जाएगा और ये कटिहार छोटा पड़ जाएगा कि अगले 5 सालों में इससे ज्यादा ताकतवर प्रोग्राम देखने को आपको यहाँ पर मिलेगा। पता है एक छोटे से मैसेज के साथ में शुरू करना चाहूंगा क्योंकि टुडे इज नॉट द डे ऑफ ट्रेनिंग। जैसा कि हम बोलते हैं कि जब हम रिकॉग्निशन की बात करते हैं तो बहुत हमारे भाई बहन यहां पर आए पूछ रहे सर रिकॉग्निशन क्या होता है, तो मैं उनके लिए बताना चाहूंगा दोस्तों सम्मान। यानी कि हर इंसान जो अपने जीवन में काम करता है माँ भी चाहती है कि उसको एक सम्मान मिले। वो सम्मान दिखने वाले उपहार या पुरस्कार के रूप में नहीं होता है। एक माँ जो अपनी पूरी जिंदगी लगा देती है एक परिवार को बनाने में, बच्चों को बनाने में, वो भी सोचती है किसी ना किसी दिन कोई मुझे सम्मान तो मिले। शायद जब हम उस माँ को बोलते हैं थैंक यू माँ कि तुमने जो मेरे लिए किया शायद दुनिया में किसी ने किया, वही एक सम्मान है। और इस सम्मान के लिए आदमी अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है और स्मार्ट वैल्यू में हर हाफ ईयरली और ईयरली वो सम्मान दिया जाता है। तो स्मार्ट वैल्यू प्लेटफॉर्म के लिए एक बार जोरदार ताली। यहाँ पर मौजूद है और जितने भी मेरे भाई बहन जिनके माता पिताजी आज घर पर है लेकिन उन्होंने आपको अपनी जिंदगी को अपने तरह से जीने की अपॉर्चुनिटी या मौका दिया है, उन सभी माँ बाप के लिए एक बार जोरदार ताली हो। प्लेटफॉर्म हमको कुछ बेहतर करने का मौका दे रहा है। और एक सिंपल मैसेज है, कल मैं पढ़ रहा था एक मैसेज कहीं से व्हाट्सएप में आया था जहां पर लिखा गया था कि आदमी, कोई आदमी जब नदी में कूदता है, नदी देखी आप लोग ने, तो कोई भी आदमी जब नदी में कूदता है तो वो नदी में कूदने से नहीं मरता, जब उसको तैरना नहीं आता है तब वो आदमी मर जाता है। अगर मैं नदी में कूदा और मुझे तैरना नहीं आता तो मैं बचूंगा या मरूंगा, और अगर मुझे तैरना आता होगा तो मैं तैर के। यानी कि परिस्थिति गंभीर थी लेकिन मुझे परिस्थिति में अपने आप को ढालना और उस परिस्थिति से अगर निकलना आता होगा तो कोई भी जटिल परिस्थिति में आप बाहर निकल सकते हैं। तो परिस्थिति कभी भी आपकी हार के लिए जिम्मेदार नहीं होती। आप जिस परिस्थिति में चले जाते हैं वहां अपने आप को तैयार नहीं करते और वहां से निकलने का प्रयास नहीं करते, वही परिस्थिति आपको गिरा देती है। यहां पर बहुत से मेरे भाई बहन ये सोच रहे होंगे क्या मेरा भी होगा, क्या मैं भी अचीव करूंगा, क्या मैं भी सक्सेसफुल बनूंगा। उन सभी लोगों को मैं यही बोलूंगा कि जो आज स्टेज पर है, चाहे अमित सर हो, चाहे आने वाले समय में आपने अभी अभिजीत सर को देखा, चाहे आप रिक्की सर को देखेंगे, चाहे आप चंदन सर को देखेंगे, भरत सर को देखेंगे, इन लोगों के लिए भी आपकी तरह ही परिस्थिति थी और इनके घर परिवार में भी बहुत सी समस्याएं थी।
लेकिन उन्होंने कहा मुझे समस्याओं से प्यार नहीं है, मैं समाधान के लिए काम करूंगा। अगर आप समाधान के लिए काम करेंगे तो वो दिन दूर नहीं है, स्टेज भी आपका होगा और ये रिकॉग्निशन भी आपका होगा। सिंपल मैसेज देना चाहूंगा कि जब आप किसी चीज की तैयारी करते हैं तो जीवन का सबसे जटिल और कठिन समय होता है दोस्तों, क्योंकि तैयारी करते समय हमें बहुत बार हार का सामना करना पड़ता है, बहुत बार हमारे पास पैसे नहीं होते, बहुत सी घर में समस्याएं आ जाती हैं, उन समस्याओं को देखकर कई बार जो काम हम कर रहे होते हैं, जिस परिस्थिति में होते हैं, हम टूट जाते हैं। तो आपसे सिर्फ निवेदन करूंगा कि स्मार्ट वैल्यू में पेशेंस, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं सब्र, अगर आप सब्र रखेंगे और लगातार सीखते रहेंगे तो बहुत जल्द आपके पास वो सब कुछ हासिल होगा जो स्मार्ट वैल्यू कमिट करता है अपने आंसू से अपने भारतीय भाई बहनों को देने के लिए। यानी कि सब्र एक महत्वपूर्ण चीज है और सब्र का ही फल है कि जब ये जर्नी, यानी कि जब APLL ब्रांड का सफर प्रारंभ हुआ था, अगर हम देखें पीछे 15 साल में, तो 15 साल पहले एक सेंटर एक विद्यार्थी से प्रारंभ की हुई यात्रा आज 18 लाख लोगों को कंप्यूटर स्किल डेवलप करने में मदद कर चुकी है। यानी कि जो यात्रा एक विद्यार्थी से शुरू हुई थी, जो यात्रा एक राज्य से शुरू हुई थी, जो यात्रा एक सेंटर से प्रारंभ हुई थी, आज हिंदुस्तान के सभी राज्यों में स्मार्ट वैल्यू और APLL लोगों को कंप्यूटर शिक्षा से जोड़ रहा है। वही APLL और स्मार्ट वैल्यू आज न जाने कितने एसोसिएट को फॉरेन ट्रिप, कार, घर और बड़े बड़े लाइफ स्टाइल और इस तरह के रिकॉग्निशन के पास ले जा रहा है, क्योंकि ये सोच बड़ी थी। और भारत की एकमात्र एक ऐसी कंपनी है जिसने पिछले साल डायरेक्ट सेल बिजनेस के अंदर सिर्फ 30 करोड़ केवल बोनस बांटा है, दैट इज ओनली ब्रांड इन इंडिया। बोनस नहीं दिया होगा जितना स्मार्ट वैल्यू ने दे दिया। यानी कि जब लोग यहां पर आते हैं सोचते सर यहां है क्या, तो उनको हम एक ही चीज बोलते हैं, आपकी सोच से परे, आपकी चाह से परे और आपके सपनों से भी बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसका नाम है स्मार्ट वैल्यू प्रोडक्ट एंड सर्विस। आप ईमानदारी से काम करेंगे, सिर्फ हम एक ही चीज बोलते हैं, अनएथिकल प्रैक्टिस, यानी कि कोई भी आदमी अगर इस बिजनेस के अंदर गलत काम करके आगे बढ़ना चाहेगा तो इस प्लेटफॉर्म में सक्सेसफुल नहीं हो सकता। क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म में हम बोलते हैं देर से ही आए लेकिन ईमानदारी और कठिन परिश्रम से आने वाली सक्सेस टिकी रहेगी, आगे जाती रहेगी। और इसी सोच को लेकर आज 18 साल के अंदर इंडिया के अंदर कोई भी डायरेक्ट सेल कंपनी नहीं है जो हमारी तरह लगातार एग्रेसिवली, पॉजिटिवली और 150 से अधिक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट के साथ काम कर रही है। और सबसे बड़ी चीज, जब लोग तुलना करते हैं अक्रॉस ग्लोब, पूरे विश्व के अंदर सिर्फ एकमात्र कंपनी है स्मार्ट वैल्यू और APLL जो डायरेक्ट सेल बिजनेस में एजुकेशन को प्रमोट करती है, ना एमवे ना कोई और कंपनी कर रही है। वी आर द लीडर एंड वी आर द मास्टर इन प्रमोटिंग एजुकेशन, वी आर द बेस्ट। आप एक बेहतरीन संस्था के साथ, बेहतरीन सोच के साथ, बेहतरीन लीडरशिप के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन परेशानी सिर्फ एक ही है कि अगर आप अपने आप को विकसित नहीं करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको विकसित नहीं कर सकती। हम सिर्फ आपके लिए प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते हैं, हम सिर्फ वो माहौल बना सकते हैं जहां पर आप सीख सको, हम उन लोगों तक आपके पास पहुंचा सकते हैं जो आपको सिखा सके, लेकिन कहीं ना कहीं सीखना सिखाना ये काम आपका ही रहेगा। क्योंकि जीवन में अगर लक्ष्य आपको प्राप्त करना है तो मैं सिर्फ लीड कर सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ, इंस्पायर कर सकता हूँ, मोटिवेट कर सकता हूं, लेकिन आपकी जगह पर चल नहीं सकता। तो आपको कमिटमेंट लेकर आज यहां से जाना होगा कि आज जितने भी लोग इस रिवॉर्ड या सम्मान को ले रहे हैं उन्होंने कुछ किया पिछले 6 महीने में, स्मार्ट वैल्यू किया, स्मार्ट वैल्यू के बिजनेस को प्रमोट किया, लोगों तक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट पहुंचाए, एक बेहतरीन सोच को हिंदुस्तान के छोटे छोटे शहर, गांव और घरों तक पहुंचाया, इसलिए उनको सम्मान मिल रहा है। अगर अगले 6 महीने आप भी वो करेंगे तो वहां से आप भी यहां पर आ सकते हैं। सिर्फ इन दोस्तों को देखना है। और आज बार बार जैसे हमारे अमित सर बोल रहे हैं कि थोड़ा ताली बजाइए, तो दोस्तों ये ताली जो शब्द है, क्योंकि न्यूटन का तीसरा नियम एक ही चीज बोलता है जिसको बार बार मैं पसंद करता हूं कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, आप जो क्रिया करते हैं उसके अनुकूल एक प्रतिक्रिया होती है। आज शायद आप ताली दे रहे होंगे लेकिन एक दिन आएगा जब आप यहां खड़े होंगे और हजारों लोग आपको ताली दे रहे होंगे। ताली देना